बेलीपार थाना क्षेत्र में कोरोना संक्रमित परिवार की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल मुंबई में परिवार के सदस्य की मौत के बाद गांव आने पर ब्रह्मभोज किया गया है, जबकि पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन किया गया था। इसके बावजूद इसके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने के पहले ही ब्रह्मभोज कराए जाने से 150 लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। दरअसल संक्रमित परिवार के लोगों द्वारा होम क्वारंटाइन के दौरान ब्रह्मभोज कराए जाने के बाद परिवार के 3 अन्य सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। वहीं मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने लापरवाही बरतने के साथ लोगों की जान जोखिम में डालने पर ब्रह्मभोज कराए जाने पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने ब्रह्मभोज में आए लोगों का रिकॉर्ड जुटाकर उनके टेस्ट की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें, मामला बेलीपार थाना क्षेत्र के कालाबाग इलाके का है, जहां कालाबाग गांव के रहने वाले राजदीपक निषाद की 1 जून को मुंबई में कोरोना से मौत हो गई थी। ऐसे में परिजन दाह संस्कार के बाद 6 जून को गांव आ गए थे। गांव वापसी पर ग्राम प्रधान ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग ने हिदायत देते हुए होम क्वारंटाइन रहने को कहा था। साथ ही परिवार के लोगों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था। वहीं 16 जून को परिजनों ने बगैर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आए होम क्वारंटाइन रहने पर भी ब्रह्मभोज कर दिया, जिसमें रिश्तेदार समेत कुल 150 लोगों के आने की बात कही जा रही है। ब्रह्मभोज के अगले ही दिन संक्रमित परिवार के 3 अन्य सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इस बात की जानकारी होने पर संक्रमित परिवार समेत ब्रह्मभोज में शामिल सभी लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं संक्रमित परिवार की लापरवाही ने ब्रह्मभोज के बहाने संक्रमण के बड़े खतरे को दावत दे दी है। इस मामले में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि जानकारी होने पर बेलीपार पुलिस ने संक्रमित परिवार के लवकुश, हरिओम, अंकित, अभिषेक और विराट पर महामारी अधिनियम समेत कई अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही कल महीप नारायण शाही इंटर कॉलेज महावीर छपरा में ब्रह्मभोज में शामिल हुए लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जो पेशेंट हैं और हम भी मतलब डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारा बोलना ऐसा है कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, हमारे पास जो दवाइयाँ जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हुई है वो दवाइयाँ हमारे पास रखी हुई है, तो अगर हमको लग रहा है कि तबीयत खराब होगा या जब सीरियस होगा तब हम उनको अगर हॉस्पिटल भेजते तो बेटर होता। तो राजदीपक के क्या लगते हैं? मैं उनका भाई हूँ। उनको क्यों नहीं वो कर लिए जो अभी करने के लिए होता है? साथ भी वैसे ही हमने किया था सर, इसीलिए तो जैसा कि आपको जानकारी है, ये वर्तमान में जो महामारी कोरोना महामारी है इसके संबंध में बहुत ही प्रिकॉशंस बताए गए हैं कि ये करना है। उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव होते हुए वहाँ पे जो आयोजन किया गया ब्रह्मभोज का, उसमें ये इन्फेक्टेड हुए हैं। ये एक तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन है और इस जो विधि है इसका उल्लंघन किया गया है। इसके अनुसार थाना बेलीपार में अपराध पंजीकृत किया गया है और उन पर कार्रवाई की गई है। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है।